भी चली गई, तुम्हारी मम्मी को भी भेज दो, अब कहते 3-4 दिन और रहने दो। क्यों रहने दो, अपनी माँ को अपने गाँव भेजना, तब कहते घर हड़प लिया। ये बताओ ये क्या बात होती है, ऐसा करते इसको दोबारा धक्का देते, तू निकल यहाँ से, जहाँ मर्जी रहे हमें नहीं पता, तू भी जा अपनी। अरे रहे मतलब ढंग से तो रहे, भेज दे अपनी माँ को गाँव। तुम क्यों जाती हो उसके घर पे, मत जाया करो ना। वो कह रही है आपने मेरी शादी करवा दी, शादी करवा दी, ठेका ले लिया क्या हर बारी, जब कभी तू इधर भगती है कभी तू उसके पास भगती है। मेरे को ये भी तो डर है कि अगर इससे लड़ाई होगी फिर ये समर के पास भागेगी। कह रही है ध्रुव भी सही से नहीं रह रहा, ध्रुव को क्या पता गई अब। हाँ ध्रुव को उसके उसके अकॉर्डिंग ना कोई सही से ही नहीं रहता, लेकिन राधिका उसकी मम्मी बहुत बदतमीजी से वो कर रही थी। हेलो कहाँ पे हो आप, घर पे हो क्या? आप एक काम करो यहाँ आ जाओ। मम्मी उसकी मम्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, आप कह रहे थे 10 दिन खत्म ही नहीं होते इन लोगों के, रोज रोज वही ड्रामे होते हैं। नहीं मुझे नहीं पता, आप यहीं आ जाओ दोबारा से, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप चले जा रहे, नहीं लगेगा तो आप यहीं रह जाना। ठीक है ठीक है, चलो आओ, आप आओ फिर बताती हूँ आपको क्या हुआ है। ठीक है चलो, आ रही है फिर बात करती हूँ उनसे, अधी हो गई है। आओ कैसे हो? और कैसी है राधिका? ठीक हूँ मैं, आप बताओ? ठीक हूँ मैं तो, क्या हो गया बता। बैठो आप, बैठो बैठो। बैठ रही हूँ, क्या बात क्या हुई, क्या परेशानी हो गई? पानी? नहीं पानी नहीं पीना मुझे, नहीं दिल कर रहा है मेरा पीने का। मैंने बोला 10 दिन खत्म ही नहीं होते इन लोगों के, आप बताओ क्या करूं मैं। मैंने बोला अब तो मेरी मम्मी भी चली गई, तुम्हारी मम्मी को भी भेज दो, अब कहते 3-4 दिन और रहने दो। क्यों रहने दो, अपनी माँ को अपने गाँव भेजना, तब कहते घर हड़प लिया। ये बताओ ये क्या बात होती है टाइम को में? तो ये लग रहा था इसकी माँ चली गई होगी, अगर बोल रहे हैं तो झगड़ा करके दिखा रहा है। मैंने 2-3 दिन रहने दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं खुद चली जाएंगी। अब ये धीरे धीरे यही करेगा, अपनी माँ को यही बसाने वाला है, ड्रामेबाजी रहती रहती पीछे पीछे, बेटा नहीं रहता तो ड्रामे करती है। इनको और कोई घर भी तो नहीं मिला, अपना घर की प्लानिंग करके आया कि इस घर में दोबारा घुसूंगा, तो घुस के दिखा दियो तो फिर आपकी बार कैसे घुसेगा। उधर वो गुनगुन के घर पे भी झगड़ा हो रहा है ना। अरे उसका छोड़ो तुम, उसके तो अलग ही ड्रामे रहते हैं। भाई मुझको बुलाया था गुनगुन ने फोन करके, क्या बोल दिया? अब उसकी सास उसको सही से नहीं रहने दे रही। अरे ऐसे ही उसकी सास नहीं रहने देती, बोलेगी नहीं क्या चाय बनाने के लिए, नहीं बोलेगी तो बनाएगी नहीं क्या? अरे उसके बच्चे के पीछे पड़ रही की बच्चा कर ले, मतलब ये उसके सास कह देगी तो कुछ भी कर लेगी क्या फिर, अगर मतलब की ऐसा नहीं चाहते ही मत आप। क्या करूँ फिर, कह रही शादी तो आपने करवाई थी मेरी, अब मेरी सास शादी करवाई थी, शादी करवाई तो ठेका ले रखा है क्या? मेरे को कह रही अगर आप मतलब कि सही, अब मैं सही से रह रही तो भी मेरे को दुखी कर रही है, कह रही कि मैं दूसरी लुगाई लेके आ जाऊंगी ध्रुव की, फिर उसकी सास को समझाया मैंने। अब हटाओ आप यहाँ का, बताओ आप क्या करना है, क्या करना है क्या करें बता, मेरे को समझ ही नहीं आती इसकी कहानी। यहाँ से तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कैसे खत्म करूँ इसकी लड़ाई इसको अपने। या तो आप बात करो या तो मुझे अपने अपने घर लेके चलो, बस इतना कर लो आप। राधिका देख मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, रहना यहीं पे और ये वाला घर छोड़ना नहीं है। तो घर लेके क्या चाटोगी क्या? आप एक बात बता दो ना, क्या करोगी ये घर? हम लेंगे क्या, हमारे हिस्से में आने वाला है? चली जाओ, जो इन्होंने करा सब कुछ इनको माफ करके हैं। आप भी अलग ही हो यार मम्मी। राधिका तेरे को क्यों नहीं समझ आती, यही बात सोच सोच के आए हैं वो, हम दोनों में लड़ाई करवा देंगे और ये घर इनके कब्जे में आ जाएगा जो वो चाहते हैं। समर अपनी माँ की नहीं जाने दे रहा बिल्कुल भी, क्यों इतना कुछ होने के बाद भी अपनी माँ को रखता रहेगा, यहाँ लड़ाई होती रहेगी, तू अपने घर ओलेगी फिर हम परेशान होते रहेंगे, बैठी रहेंगे फिर आराम से जैसे बैठी हुई है, और ज्यादा होगी ना इसको चलता करेंगे यहाँ से, चल निकल यहाँ से। और अब मैं नहीं जाती फिर यहाँ से, चली गई थी ना छोड़ के कि चल अपने आराम से रह लेंगे, नहीं रह जा रहा ना, मजबूर करते हो मेरे को यहाँ आने के लिए बार बार, क्या करूँ फिर मैं? रोज रोज एक ही कलेश करते रहते हैं यार, इसको परेशानी किया अपनी माँ को भेजने में, क्यों नहीं भेज रहा? पता नहीं क्या चाहता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। उनको बोल, सामने सामने बोला कर, जो गेम तू खेल रहा है ना हमें सब पता है, पहले से पता तो क्या सोच के आया यहाँ पे, नहीं तो दुनिया पड़ी थी, चला सारी गलती खुद कर लो फिर, क्या था कुछ किया ही नहीं मैंने, मतलब बताओ बेशर्मी की भी हद होती है। ऐसा करते इसको दोबारा धक्का देते, तू निकल यहाँ से, जहाँ मर्जी रहे हमें नहीं पता, तू भी जा अपनी। अरे रहे मतलब ढंग से तो रहे, भेज दे अपनी माँ को गाँव, नहीं से भी नहीं रह जाता इससे। तेरे कहने पे मान रहा है, तूने बोले जा रहा है, भेज रहा है क्या अपनी माँ को? पता नहीं, नहीं भेज रहा ना, तो सुन उसको, अब इसको ये बोलते हैं तू भी निकल यहाँ से और तू जा जहाँ मर्जी रहा, हमें हमने ठेका नहीं बोला, मैंने मुंह उठा के बैग उठा के बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ गया। तो जाने दे, तुझे क्यों चिंता हो रही है, आ जाएगा अभी, कहाँ जाएगा? अगर वो परेशानी होती ना, कभी आता ही नहीं यहाँ पे, धक्के खा के यहीं आएगा, आखिर जगह उसको यहीं मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही।
तो मिलेगी भी कहाँ, माँ वो रहती है तो। नहीं माँ उस दिन बड़े ड्रामे दिखा रही थी, बहुत पैसा है, ये है, फलाना है, बहुत है। आपको पता है कितना पैसा है ना, कितना क्या है आपको पता है, खुद ही पता है आपको। तो पता है मुझे तो, इतने पैसे वाले थे तो क्यों आई यहाँ पे, नहीं आना चाहिए था ना, रहते किराए के घर में, यहीं पे क्यों मरना था आके, क्योंकि तुम्हें इस मकान का लालच है। मुझे नहीं है लालच, लेकिन मैं अपनी बेटी का हक नहीं खोने दूंगी। तेरा पूरा हक है यहाँ पे, अपने हक से रह, क्यों निकलेगी यहाँ से तू। हर बार वही कहता रहता है, हर बार ही वही। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया आप बात करो वकील से, काम करो, हटाओ यहाँ पे, नहीं रहना मुझे, आप अपने घर से लेके और अलग अलग होंगे बस, ये करेंगे हम यहीं रहेंगे, इनको निकालूंगी मैं दोबारा से, मेरे को नहीं रखनी। 10 दिन की बोल गए थे, 10 दिन से ऊपर हो चुका, 1 महीना। जब बात ये हुई थी कि तुम अपनी मम्मी को भेजो, मैं अपनी मम्मी को भेजता, बात मैं गई ना, तो मुझे यहाँ रह के करना क्यों, मेरा अच्छा वाला घर पड़ा है, मेरे को क्यों रहना यहाँ पे, आराम से रह रही थी। इन लोगों को वही बात तो समझ में नहीं आती, बार बार मैं यहाँ 36 बातें भी सुनूं कि बेटी के बाद में कहता रहा, बाद में मुझे लग चला था किसी की माँ किसी के ससुराल में रहती है क्या, ये रहती है वो, तो मुझे ही पता किसी की माँ नहीं रहती है। मैं अपने तुम लोग हरकतें क्यों करते हो, तुम्हारी हरकतें दिखाई देती है, हरकतें तुम पूरी कर लो, हरकतें तुम पूरी कर लो, फिर भी तुम बाद में कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, तेरे को अकेली छोड़ के चली जाऊं, है ना, और फिर ये कुछ भी करते रहे यहाँ पे। अब तुम सही से रह रहे हो तो मुझे खाना नहीं बना रही, तो कहता तुम बना के क्यों नहीं देते मेरी माँ को, क्यों बना के तुम, क्यों बना, ये बनाए अब नहीं बना रही, बनाती है अब खुद ही। अच्छा। एक दिन मेरे को देने आई, मैं भाई जब मैं नहीं मांग रही हूँ, मैं नहीं चाह रही खाना, तो तुम क्यों कर रहे हो मेरे को नहीं खाना, चापलूसी कर रही है ना तेरी। हाँ। कोई बात मनवानी होगी तेरे से, कुछ बात तो नहीं बोली मुझे, नहीं कुछ नहीं बोल रही अभी तो, नॉर्मल है, मुझे करनी ही नहीं है बात मम्मी, मुझे नहीं रहना बस। ये लोग ना जिएंगे ना जीने देंगे, मेरे को भी इतना बुरा बना दिया कि मैं रोज लड़ती दिखती हूँ, करूँ क्या। तुम क्यों जाती हो उसके घर पे, मत जाया करो ना, वो कह रही है आपने मेरी शादी करवाई, शादी करवा दी, ठेका ले लिया क्या हर बारी, जब भी कभी तू इधर भगती है कभी तू उसके पास भगती है। मेरे को ये भी तो डर है कि अगर इससे लड़ाई होगी फिर ये समर के पास भागेगी, तो मेरे को इसलिए जाना पड़ता है, मेरे को गुनगुन को समर से दूरी रखना है, अभी तो वो बिल्कुल मना कर रही है। उसकी सास को नहीं सुना है, सुनाई मैंने गुनगुन को भी सुनाई, उस दिन पहले मुझे भी सुना रही थी उसकी सास, पता है मैं उसके घर पे गई थी, उसने मुझे बुलाया था तब। अच्छा, अब उसकी सास की ना कोई हेल्प नहीं कर रही ना कुछ करना है आपको, पहले बता रही हूँ मैं आपको। नहीं मेरे को, मेरे को कह रही तुझे क्या बोलना है, मेरे बेटे बहू है तू इस घर में क्या कर रही है, ये वो ऐसे सुना रही मुझे, बताओ। इतनी शर्म नहीं आई, हमने शर्म नहीं, यहाँ पे इतने दिन रखा था, इतना रो रो के आ रही थी, माँ से निकाल के यहाँ रखा था उसको। सोचने की बात सोच, तो सारा सोल्यूशन मैंने निकाल के दिया है, मेरी वजह से ही तो दोबारा घर बस गया उसका, ना तो बस जाता क्या ध्रुव का दोबारा घर, तो फिर अब सारी 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 करी धरी हम सुने, और बाद में खुद यूं राज वहां लपेट रही है। अब सारी गलती मेरे को ध्रुव की मम्मी की लग रही थी, इतना तो गुन के ऊपर प्रेशर डाल रही है, कल को फिर वो भग जाएगी, फिर वो समर के पास आएगी, छोड़ देती उसी के पास, क्यों तेरा बेटा। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा जब घर नहीं बस रहा था तब तो परेशान हो रहे थे, अब बस गया तो दिक्कत हो रही है, या हम इसी काम के लिए रह गए क्या, यही काम रह गया हमारा, कभी वो फोन करके बुला, कभी वो तुम्हें फोन, तो आपने क्यों नहीं बताया मुझे, मैं सुनाती ना फिर उसको कि मेरी अब क्यों बुला रही मेरी माँ को। मैंने कहा चल ना छोड़ ना, बसा हुआ चल, मैं समझा समझू की आ गई, मैंने कौन सा वो करना कि अपना इनका बना रहे छुट्टी है, मेरे को अपनी समर की भी तो चिंता, अब तेरे भी तो घर की चिंता है, अभी फिर ये यहीं आएगी तो फिर होगा ना दिमाग खराब, क्या ही कर, रोज वहां झगड़ा हो गया था। क्या ध्रुव भी सही से नहीं रह रहा, ध्रुव को क्या आफत आ गई अब। हाँ ध्रुव को उसके अकॉर्डिंग ना कोई सही से नहीं रहता, लेकिन राधिका उसकी मम्मी बहुत बदतमीजी से वो कर रही थी, जिस तरह से तू कर रही है तो भाव भाग जाएगी किसी दिन भी। अब क्या करूं, क्या करना करूं, है? ये बता। क्या करूं, निकलने के लिए बोलूं? निकलने के लिए क्या बोलोगे यार, आप सीधे ये बोलो भाई, बात हुई थी जाने आने की, तू क्या चाह रही है, तू बता अपनी। भाई मैं यही चाह रही हूँ कि भैया मैं रहूं इस घर में भी और वो रहे बस, अगर साथ में रहना है तो वो तो अपनी माँ को भेजने को राजी नहीं है। नहीं भेजने को राजी तो फिर जाओ, फिर या तो आप फिर मुझे लेके चलो या आप ले चलो, बस साफ सीधी बात है।